तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से कमाल का वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हो। तो चलिए इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पर ईजीली डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं किस तरह से इस तरह का वीडियो बनेगा। तो फिलहाल के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, जो कि है एलाइट मोशन। वो आपको पास नहीं है, वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से इजी स्टेप में डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो देखो दोस्तों, कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि इस तरह का सॉन्ग है, आँखों को तेरी आदत है, मतलब सो आसमानों का सॉन्ग है, इस पर बनाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है? तो दोस्तों बनाने के लिए जो पहले देखो इस तरह का ग्रुप मिलेगा, इस ग्रुप पर देखो इस तरह से है ऑप्शन, तो हम बना कर आपको दिखाते हैं किस तरह से बनेगा। तो फिलहाल के लिए आपको वीडियो ये लंबा हो जाएगा, उसका कोई डाउट नहीं है। वीडियो में फुल बताऊँगा किस तरह से इस तरह का वीडियो बना सकते हो। प्रोजेक्ट पर टाइप करना निशोला, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना, प्लस पर टाइप करना, एटैक्स पर जाना, उसके बाद यहाँ पर सॉन्ग आपका जो भी है वो कर लेना, वीडियो सॉन्ग निकालेंगे, डॉट पे जाते हैं, इंस्टो को ड्यू करके डिलीट कर देते हैं। तो हम बीट मार्क कर लेते हैं, तो इस तरह सा बीट मार्क हो गया। प्लस पे टाइप कीजिए, एटैक्स भेजिए, एटैक्स बनाने का ये वाला फॉन्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, दिया जाएगा। हर वीडियो मटेरियल मिल जाता है इजी स्टेप में, कोई चिंता करने वाला कोई बात नहीं। आँखों है, फिलहाल के लिए इसको हम इतना बढ़ाते हैं, इतना पर रखते हैं, ओके। और इसको हम फिलहाल के लिए छोटा कर लेते हैं, उसके बाद इसको बिंदु इस तरह से बढ़ा लेते हैं, हो गया, ओके डन। इस तरह से देखो हो गया। इसको आपको फिलहाल के लिए बीचों बीच कर लेना है, कुछ इस तरह से हो गया। अगर ज़्यादा हो गया तो इसको आपको थोड़ा सा कम कर लेना, कुछ इतना पे लाइक, ओके ये हो गया। इस पर जाइए, कलर ले लीजिए वाइट। वाइट होने के बाद देखो ये बीचों बीच नहीं आ रहा है, तो अभी ये लाइट मोशन में ग्लिच ये हो रहा है कि आपको इस तरह सा फ्रेम ड्रॉप हो जा रहा है। तो मोटल मोड जितना भी यूज करते हैं उसके लिए प्रॉब्लम, ये कॉमन सी बात है। उसके लिए फिक्स करने के लिए हम करेंगे क्या, इसको हम फिलहाल रिस्टार्ट करेंगे लाइट मोशन को। ज़्यादा देर रीड करने के बाद इस तरह से ग्लिच हो जाता है, देख सकते हो। यहाँ 9:16 फॉर्मेट में चूज है, लेकिन ये कुछ इस तरह 4:1 का रिश्यू दिखा रहा है। इसके लिए हम इसको हम डिक्रीज करते हैं, लाइट मोशन को ओपन करते हैं। तो अब देखते हैं फिक्स हुआ कि नहीं, तो अभी हो जाएगा। तो देखो हाँ, अभी हो गया है, अभी दिख रहा है। तो कुछ देखो इस तरह का एनिमेशन हो गया, इस तरह का लिरिक्स है। इसको और हम फिलहाल के लिए हम छोटा करेंगे, क्योंकि खोल के वो देंगे ना बगल में, इतना पे रख लेते हैं, ओके इस तरह से। उसके बाद फिर इसी को डुप्लीकेट कर लेना, डुप्लीकेट करने के बाद जो है आपको ओ लिख लेना है जी। तो एक सिप तो आँखों था ना जी, लिरिक्स क्या था, आँखों। तो एच तक रखते हैं, उसके बाद ओ हम एक डुप्लीकेट लेयर बना के ओ लिख देते हैं, आँखों हो जाएगा, ओके ये हो गया। इस तरह से यहाँ रख लेते हैं, इसका साइज बढ़ा लेते हैं कुछ लाइक। तो इसको हम जाते हैं, इसको इस तरह से बीचों बीच कर लेते हैं, नहीं था बीचों बीच तो हम पहले मुद्दा है भैया बीचों बीच कर लेना। तो इस तरह से इस पे रख लेते हैं, इसको भी हम बीचों बीच अभी फिलहाल के लिए कर लेते हैं की बार में, ओके। मूवन ट्रांसफॉर्म जाके सेट कर लेते हैं आँखों, इसको भी बढ़ा लेते हैं कुछ इतना पे, हो गया डन, ओके। इसको इतना पे सेट कीजिए। अब देखो आँखों यहाँ तक ये लिरिक्स रहेगा, इसको फिलहाल के लिए इतना पे रख लेते हैं, ओके ये हो गया। ये लिरिक्स छोटा हो रहा है तो बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा, ये हो गया इतना पे सेट। इसके बाद इसमें जाइए, एक और लिरिक्स फिलहाल के लिए आपको लिखना है, तो इस तरह का एक लिरिक्स होगा। ये वाला फ़ॉन्ट को चूज कर लेना, कोई सा भी फ़ॉन्ट यूज कर सकते हो। खोखो बीचों बीच कर लीजिए, तेरी फिलहाल के लिखते हैं। इसके बाद इसको बड़ा इतना पर रख लेते हैं, वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके डन। इसके बाद इसको बीचों बीच कर लेते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्म मतलब इफेक्ट जो देंगे, ओ यार इफेक्ट जो देंगे पहले यहाँ देते हैं, मतलब मूवमेंट
मैम जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट कुछ ऐसे दे देंगे इसको, एंड स्टार्टिंग। ओके ये हो गया एनिमेशन, तो ये हो गया, इसको भैया छोटा कर लेते हैं। अब जो वो प्रोसेस भैया है वो इफेक्ट लगाना, तो इफेक्ट लगाने के लिए क्या इफेक्ट लगाऊंगा तो मतलब 20-25 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो उसके लिए देखो ये वाला प्रोजेक्ट है, तो इस पर जाना है, उसका जिसका जो इफेक्ट है इसको नीचे वाला कॉपी कर लेना, जो कि ग्लो टाइप का इफेक्ट, और एक इसका भी इफेक्ट है, इसको भी कॉपी कर लेंगे फिलहाल के लिए, लेयर इसमें कॉपी कर लेते हैं और ये कॉपी लेयर हो गया। ओके तो लोयर कॉपी करने के बाद फ़ायदा ये है क्योंकि हमको फिर से रिटर्न नहीं आना होगा, तो इसमें जाके इफेक्ट हम पेस्ट करते हैं वो वाला, तो कुछ इस तरह का हो गया, इसका कलर रेड कर लेते हैं। ओके कुछ इस तरह पे देखो ये हो गया इस तरह से, ऊपर वाला लेयर पे टाइप करके फिलहाल के लिए हम पेस्ट करते हैं लेयर, वो जो किए थे लेयर पेस्ट करके इसका इफेक्ट कॉपी कर देना, उसका इस लेयर को डिलीट कर देना, पुरनका जो फिर से इसमें जाके इफेक्ट ओपन कर देना। देखो इसका जो है जो कलर ब्लैक ले लेते हैं, तब वर्क करेगा इस तरह से। देखो अगर ग्लो कम करना चाहते हो इसका, देखो ग्लो ये इस तरह से ग्लो हो जाएगा, इसका एक्सपोजर गामा बढ़ाओगे इस तरह से ग्लो हो जाएगा, इस तरह से देखो हो गया सेट। अब देखो ग्लो हो गया, देखो छोटा हो रहा है तो मीटर पे जाके बड़ा कर लेते हैं सब लेयर्स को। अब देखो एनिमेशन कैसे लगेगा, इस पर टाइप कीजिए मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाइए प्लस आइकन, इसमें प्लस आइकन, उसके बाद यहाँ पे जेड ऑप्शन पे चल जाना, इसको इस तरह से जूम कर लेना, तो कुछ इस तरह का एनिमेशन आपको सेट कर लेना। ओके ये हो गया, फिर ऊपर में जाइए, उस ऊपर में जाने के बाद जो है सेम जो है जहाँ पे की दिए थे इसका कितना है नंबर जेड 0 है, स्टार्टिंग पोजीशन 18-17 है, तो फिलहाल के लिए यहीं पे आके प्लस आइकन इस तरह से 18-17 है, इसमें भी आपको तो फिलहाल इसको हम वो जेड पे जाते हैं, इसको बढ़ाते हैं इतना पे, उसको सेकेंड ऊपर में भी जाते हैं, इस पर प्लस आइकन, इसमें प्लस आइकन, उसके बाद इसको जेड पे जाके इसको भी जूम कर लेते हैं इतना पे। तो अब देखो कुछ इसमें एनिमेशन कुछ इतना पे देते हैं, देखो तो ये हो गया इस तरह से, अब हो गया। अब देखो सेकेंड लाइक्स लिखने के लिए, तो इस तरह से एडिट कर सकते हो। उसके बाद देखो एनिमेशन देने के लिए देखो ये वाला फ़ोन को चूज कर देना, वो अब इजीली प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो इस वाले फ़ोन को चूज करना है जो कि पेन पी से नाम है शायद, ये वाला फ़ोन है तेरी, लिख लेते हैं बड़ी अक्षर, यस छोटी अक्षर कर लेना सब, तो इस तरह से बड़ी अक्षर वो करेगा, इसको बीचों बीच कर लेना। ओके डन, इतना बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए इतना, उसके बाद इसका जो कलर है पीला कलर लेते हैं। ओके इसमें जाके स्ट्रोक को बढ़ा देते हैं, शैडो को, सॉरी, तो इस तरह से हो गया। उसके बाद इसमें फिलहाल के लिए प्लस पे जाइए, मीडिया पर जाइए, नल ले लीजिए, नल को लेने के बाद इसका जहाँ तक है तो यहाँ तक रहेगा, मेरा लिरिक्स 3 लिरिक्स डालेंगे इसके अंदर, तो उसके देखो इसको जाते हैं, उसका बाद इसमें जाके नल 1 से मर्ज कर देते हैं। ओके ये हो गया, उसके बाद इस पर टैब करना है, इस पर इसको बाद इसको देखो इस तरह से कर लेना है, उसको नल पे जाना, नल पे जाने को इसको इस तरह से प्लस आइकन और जेड पे आ जाना, इस तरह से बढ़ा देना, इसका जो कर्व कुछ इतना पे दे देना, देखो हो गया, देखो इस तरह से। उसके बाद इसी को डुप्लीकेट कीजिए, उसके बाद यहाँ से छोटा कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, इसके बाद इसको भी
इतना पे ये हो गया, ये इसमें वर्क कर रहा है, तो इस वाले जान के इसको फिलहाल कर लिए और जूम कर लेना इतना पे। उसके बाद फिर इसमें जाके, अरे यार जेन में जाके इसको इतना पे कर लेना इसमें ये, अरे यार। और इसमें जाके एटैक्स पे जाके आपको यहाँ पे इस तरह से इसी को फिर डुप्लीकेट करते हैं। उसके बाद इसको फिर यहाँ पे जाके बढ़ा देते हैं। ओके हो गया, यहाँ पे है लिख लेते हैं। ओके ये हो गया, इसमें फिर जाके प्लस आइकन देते हैं, जेड पे जाके इसको इतना पे रख लेते हैं। हो गया, इसका कलर अपना अनुसार दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है कौन सा कलर देना चाहते हो। तो देखो आप कुछ, ये तो हो गया इस तरह का नल। तो मैं जो बनाया हूँ नल किस तरह से बना सकते हो, ये तो बेसिक था नल का एडिट, तो अब मैं जो बनाया हूँ किस तरह से बनाया। तो देखो भैया इस पे जाइए, सेम मान लेते हैं, एक ले लेते हैं, वही फॉन्ट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी अपना जो सेंग होगा वो टाइप का लेना है, सिर्फ बी अक्षर छोटी सब कुछ होना चाहिए। इसको इसको बीचों बीच इतना रखिए, इस इतना पर रख लीजिए, कलर वाइट ले लीजिए। ओके ये हो गया। उसके बाद इसको, उसके बाद इसमें अगर इसमें जाइए प्लस सेकंड कीजिए, इसको प्लस सेकंड कीजिए, इसको बाद इस तरह से रोटेट कर दीजिए देखो। उसके बाद इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हो, मतलब इसमें कर्व कुछ इस तरह से दे देना है, इसमें भी इस तरह से कर देना है। उस तरह हो गया, हो गया देखो, हो गया। इसी को फिलहाल के लिए डुप्लीकेट करना है। उसके बाद इसको छोटा कर लेना इस तरह से। उसके बाद इसमें इसका भी शेडो इनेबल कर लेना है दोनों का, हो गया इस तरह से। इस तरह से ये आ रहा है, तो इसको फिलहाल के लिए आपको इस तरह से कर लेना है देखो। ये हो गया देखो, तो इससे नहीं हो रहा है, तो इसको उठा के यहाँ पे रख लेना। ओके हो गया। उसका फिर आगे जाके प्लस आइकन यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेना है इस तरह से, और इसमें कर्व कुछ इतना पे देना है, हो गया। और एक बीच में लिरिक्स लाएंगे, तो इसको हम फिलहाल के लिए डुप्लीकेट करते हैं, इसको छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद इसमें फॉन्ट फिलहाल के लिए हम चेंज कर लेते हैं, कुछ भी अपना इच्छा का चेंज कर सकते हो। इसका जो सब बड़ी अक्षर में कर लेते हैं, हो गया डन। इसको फिलहाल के लिए हम बीच में इतना पे रखते हैं। तो रखने के बाद मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, उसके बाद इसको सब की आइकन को रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद जो है स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना, इसको राइट साइड कर देना प्रॉपरली। उसके बाद इसको भी आपको इस तरह से बीचों, मतलब हम रिमूव कर लेते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पे देखो इस तरह से की आइकन इस तरह सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिर इसको लोल होके इस तरह से करेगा, इसको स्टार्टिंग की कर लेना, कर्व कुछ इतना पे दे देना है, इसमें भी कर्व कुछ इतना पे दे देना है। ओके देखो, अब देखो इनमें, तो इस तरह से एनिमेशन बना सकते हो। तो अच्छा लगा तो वीडियो तो मतलब लाइक कर देना है, चैनल बने तो सब्सक्राइब कर देना है। तो टाइम देख सकते हो कितना बच रहा है, 1:38 हो रहा है रात का। तो सब्सक्राइब तुम लोग कर दिया करो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तुम लोग। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही।